छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राजीव भवन में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। इस दावेदारी के लिए आज उन्होंने दुर्ग के गबली पारा स्थित राजीव भवन में पहुंचकर ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर की उपस्थिति में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, जहाँ बड़ी तादाद में उनके समर्थक और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य की कांग्रेस सरकार ने सर्वहारा वर्ग समेत सभी के लिए उत्थान का काम किया है, आने वाले समय में इसका लाभ अवश्य ही कांग्रेस को मिलेगा और दोबारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और उस पर क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ढंग से जानकारियां उसकी हासिल नहीं हो पा रही है। लेकिन महादेव ऐप, अगर वो गलत महादेव ऐप में जो सट्टे का अवैध कारोबार लगातार चला बड़े स्केल पर, उस पर छापा मार रहे हैं तो अच्छी बात है। मंत्री और विधायकों पर परफॉर्मेंस अच्छा है, कुछ कमियां हैं तो उसको पार्टी निर्देश देते रहते हैं और उसके अनुसार हम लोग अपने कार्यों में सुधार करते रहते हैं, तो ये लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है।